नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। आज मैं ऑटो कैड के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। एक्चुअल में ऑटो कैड में जो सिंबल्स होते हैं, काफी सारे सिंबल्स होते हैं जो आप यूज नहीं कर पाते, आपको नहीं मिल पाते। फॉर एग्जाम्पल, डिग्री का सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लस माइनस सिंबल, डायमीटर सिंबल, और ये इस टाइप के सेंटर लाइन, बॉटम लाइन, ये सारे सिंबल्स आपको नहीं मिल पाते हैं। अगर ये आपको चाहिए, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से, कहां से आप इसे सर्च कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीलाइन टेक्स्ट लिया, और आप जब भी मल्टीलाइन टेक्स्ट यहाँ पे बनाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मान लो आपको यहाँ पे एक डिग्री सिंबल चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे कोई भी लिखा 4 डिग्री या 20, 45 डिग्री लिखना है, तो 45 पे डिग्री का साइन लगाना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे मिलेगा सिंबल, और यहाँ पे सबसे पहले डिग्री सिंबल, आप डिग्री पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एक डिग्री का सिंबल आप यहाँ पे बना पाएंगे। क्लियर है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे हम प्लस माइनस का सिंबल करते हैं जब लेवलिंग का काम करते हैं। मान लो आपने कहा 450 और आपको लिखना है यहाँ पे प्लस माइनस, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, सिंबल पे क्लिक करें, और ये है प्लस माइनस। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर आपको और भी सिंबल चाहिए, डिग्री का सिंबल और डायमीटर का सिंबल चाहिए, मान लो आपने बोला 20 डाया, तो 20 आपने राइट क्लिक किया सिंबल और यहाँ पे डायमीटर, तो डायमीटर का सिंबल आ जाएगा। तो इतने सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। और भी सिंबल अगर आपको चाहिए तो राइट क्लिक करें, सिंबल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल एंगल, बाउंड्री लाइन, आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप के सिंबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे तो आप इनके नेम के अकॉर्डिंग आप इन्हें पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इनके एज ए आइकन बन के आए, तो उसके लिए राइट क्लिक करो और यहाँ पे है आपको सिंबल, और यहाँ पे मिलेगा अदर्स पे जाके, अदर्स पे क्लिक करो तो ये जितने भी सिंबल्स हैं, आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपको सिंबल मिल पाएंगे। जिस भी सिंबल पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको बताएगा कि ये कौन सा सिंबल है। जो भी सिंबल आपको चाहिए सिलेक्ट करे, मान लो ये मैंने सिलेक्ट किया, मान लो मेरे को सिंबल और भी कोई चाहिए, मान लो हैश का सिंबल चाहिए, सिलेक्ट किया, या इनमें से जो भी 1/4 का सिंबल, ये मेरे को एरो का सिंबल चाहिए, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है, जो भी आपको यहाँ से सिंबल चाहिए। जब आपके सिंबल यहाँ पे हो जाए, मान लो जो भी सिंबल आपने लिया, आप इसे कर दे कॉपी, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके आप कर दे पेस्ट, तो वो सारे सिंबल आपके यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर, तो ये वाले सिंबल्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यही चीजें हम कहां से निकाल सकते हैं, जब हम टेक्स्ट लेते हैं तो यहाँ पे सिंबल का साइन है, वही सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अदर पे क्लिक करोगे तो वही डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, एरियल ब्लैक करोगे, एरियल ब्लैक में आएगा। यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट में अपने सिंबल्स को यहाँ से पिक कर सकते हो, कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। क्लियर, मैं इसको एरियल ही रखता हूँ। यहाँ पे है एडवांस व्यू पे, अगर आप क्लिक करेंगे तो करेक्टर सेट, कौन सा करेक्टर सेट चाहिए, विंडो, जो भी आपको करना है, अभी यूनिकोड करेक्टर सेट, डीओसी, डोस, एरोपी का आप करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे करेक्टर सेट्स मिलेंगे। क्लियर है, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, ये थोड़े एडवांस के हैं, जैपनीज, कोरियन, जो भी है, अलग कंट्रीज में अगर यूज करने हैं तो वहां के सिंबल्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इन सिंबल्स को यहाँ से यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको सिंबल लगाना है, डिग्री साइन लगाना है, प्लस माइनस लगाना है, डायमीटर लगाना है, तो ये सिंबल आप बहुत ही इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।